हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनी साल्ट स्टडी 99 चैनल पर। तो आज की वीडियो में जियोग्राफी की जीटी पीजीटी में पूछी गई परीक्षा है भूगोल का 2016 का। तो प्रश्न प्रवक्ता चयन परीक्षा 2016 विषय भूगोल, परीक्षा तिथि जो थी 2 तारीख 2 महीना 2019, समय 2 घंटे, कुल प्रश्न 125 थे, पूर्णांक 425। करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं, करेवा अच्छे तरह से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन जो है केसर की कृषि के लिए, ऑप्शन जो है डी सही, केसर की कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन जो है बी, दूसरा पृथ्वी और परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण। क्वेश्चन नंबर 3, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है। तो है ऑप्शन जो है ए 1013.25 मिली बार। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत करता है, कौन सी शुरुआत करता है। तो ये है उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं, उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं जो है ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, चंदन समानतः कहाँ पाया जाता है, चंदन जो समानतः कहाँ पाया जाता है। तो यह उष्ण कटिबंधी अधत पर्णपाती वन जो है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6, फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है, जिप्सम से किया जाता है, कैसी मिट्टी होती है, छारी। तो ऑप्शन जो है ए सही है, छारी मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है, जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो यह है HSL राउरकेला, उड़ीसा में है ये। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है, भारत में किस राज्य में, तो यह है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा राज्य है, तो यह है केरल है थोरियम के उत्पादन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला 2001 से 2011 दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा, दूसरा उसी दशक के दौरान 6 साल और उससे कम आयु वर्ग के लिंग अनुपात में इस राज्य में गिरावट, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है, तो यह है ऑप्शन सी, एक और दोनों सही है। दूरंद रेखा किन दो देशों को अलग करती है, दूरंद रेखा जो है किन दो देशों को, भारत और अफगानिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 12, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है, जल जमाव की आवश्यकता होती है, तो यह है धान, धान में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। कापर सोना लौह कोयला जुड़े हुए हैं, तो यह खेतड़ी कोलार केंद्र मुख्य झरिया, तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, सघन सन्निवेश बसाव पाया जाता है, पाया जाता है, तो यह है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी मैदान में। निम्नलिखित वनों में से एक बबूल और बबाब पेड़ पाए जाते हैं, तो यह है सवाना, ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या है, लगभग कुल संख्या है 100 से 2 अरब,
सौ से 200 अरब। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। पहला, सौरमंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। तीसरा, सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित जो उच्च तापमान पर क्रिस्टली हो जा चुके हैं, बृहत्तम ग्रह तत्वों से बने हैं जो उच्च तापमान में ठोस संघनित में बदल चुके हैं। तो ये इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है डी सही है, 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए, नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सन स्पॉट कहा जाता है। सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे आसपास के वर्णमंडल से लगभग दूर होते हैं। एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। दिखाई देने से सन स्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है। तो यह है ऑप्शन जो है डी सही है। चारों ऑप्शन जो दिया है 1, 2, 3, 4 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, यूरिया अमोनिया उत्पादक क्री के आर आई बी एच सी ओ संयंत्र आधारित है। गैस ऊर्जा पर। क्वेश्चन नंबर 20, यह किसका कथन है, मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा, किसका कथन है? यह है इमैनुअल कांट का। ऑप्शन जो है सी सही है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है? तो यह ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, स्लेट बलुआ पत्थर जो है ये मिलान जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है, एंथ्रासाइट कोयला जो है कोयला खनन करने में मुश्किल पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होता है? पृथ्वी पर। अपादन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी, डेविस डब्ल्यू एम ने दी है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नदी का अधिकतम दबाव एक स्थगन में चलता है, नदी अपने लंबवत तट के सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है, नदी पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है, जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर चलती है। तो कौन सा सही है? तो इसमें से ऑप्शन सी, नदी पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में झीलें कहाँ पाई जाती है, अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती है? तो यह है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन एक नदी की कार्य से संबंधित नहीं है? तो यह है संदूर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो दिया है, लोयस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। लोयस सिंचाई वाले क्षेत्र में बहुत उपजाऊ मिट्टी है। लोयस का सबसे बड़ा जमाव वांग हो घाटी में पाया जाता है। लोयस मिसिसिपी घाटी पेटागोनिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो ये किसका ऑप्शन है? ऑप्शन जो है डी सही है, चारों ऑप्शन जो है सही है।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन? ऑप्शन जो है डी सही है, सत्य नहीं है, सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 31, कोल शब्द संबंधित है, कोल शब्द किससे संबंधित है? ग्लेशियर से। ऑप्शन जो है ए सही है। निम्नलिखित कथनों की परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। बहता हुआ जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहा है। अपरदन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन और भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं। एक और दोनों सही है, ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 33, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं, तो यह है उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध स्थलरुद्ध है? हंगरी। ऑप्शन जो है सी सही, हंगरी। क्वेश्चन नंबर 35, यदि भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा 100% है, ध्रुवों पर यह होगा 42%। क्वेश्चन नंबर 36, जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह समताप मंडल में गति करता है। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसकी आसपास दर्ज किया जाता है? कर्क रेखा। ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे ग्रही पवनों के लिए एक अवरोध माना गया है? मानसून पवने। ऑप्शन बी, समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण है भूमि। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है, सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित परिस्थितिक तंत्रों में सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? शैवाल तल और भित्तियों का। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित स्तनधारियों में कौन सा जीव शाकाहारी है? यह है समुद्री गाय। ऑप्शन जो है ए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महासागरों की औसत लवणता 35% 1000 होती है, प्रति 1000 होती है। क्वेश्चन नंबर 44, जर्मनी में हिमगहर को कहा जाता है? कार। ऑप्शन जो है डी सही है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, चना, गेहूं, बाजरा, उपयुक्त में से कौन सा वर्षा सिंचित फसलें है? तो कौन सा फसल है, तो यह है केवल 3, बाजरा। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम का, तो यह है कौन सा देश है? कजाकिस्तान। तो ऑप्शन जो है बी। निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडार में समृद्ध नहीं है? कौन सा है? मोरक्को। ऑप्शन जो है डी सही है, मोरक्को है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्राचीन सरकार शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा, आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। तीसरा, इसकी मोस तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है,
तो ये है ऑप्शन बी, एक और दो और तीन, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता, ठीक से नहीं खाता, जो ये है 49 का डी, वर्गे दक्षिण अफ्रीका, किलिमंजारो पर्वत स्थित है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये है तंजानिया में है, ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा एक सिमेटिक जनजाति नहीं है, कौन सी जनजाति नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी ईरानी, जो है ईरानी जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है, ये 2016 का है, तो यह कौन सा है, केरल, ऑप्शन जो है बी सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उच्चावच भू दृश्य में लंबवत ऊंचाई की अंतर को व्यक्त करता है, पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहा जाता है, और तीसरा है उच्चदर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यह है एक दो और तीन सही है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चार कथन दिया गया है, चार कथन में से कौन सा सही है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, भारत में परियोजना टाइगर 1973 में प्रवर्तित की गई, तीसरा बाघ परियोजना को बाघों और उनकी शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था, तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है, तो ये है डी, एक और दो और तीनों जो है तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, कौन सा, तो ये है खंड चेंड जोंगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है, तो कौन सी फसल है, तो ये है मक्का, सबसे अधिक जगहों पर उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, बिली बिली है क्या है, ये देखते हैं, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ऑस्ट्रेलिया माने वाला चक्रवात है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है, कौन है, चावल है, ऑप्शन जो है ए। क्वेश्चन नंबर 59, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है, डायमंड रिंग की घटना देखी गई, केवल परिधि क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई, किसको दी गई है, पश्चिमी घाट को, ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 61, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी आईएसटी पर क्या होगा, आईएसटी पर क्या होगा, तो उस समय क्या समय होगा, 6:30 होगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है, कौन सा सही है, सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 63, जींस और जेफ्रीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया गया, तो कौन सा नाम दिया गया है, तो ये है ज्वारी परिकल्पना, ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपरिवर्तित हो जाती है, कौन से तरंगे हैं,
तो ये है पी तिरंगे है, ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65, आयन मंडल के बारे में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है, यह वातावरण की ठंडी परतें हैं, ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती, जिस कारण से उन्हें ठंडा होने की आवश्यकता ऊंचाई तक नहीं प्राप्त हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 67, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? पश्चिमी घाट पर। केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? पेरियार जो है जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? सर्वे ऑफ इंडिया तरह तैयार करती है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक प्रमुख संयंत्र है पिंजौर में है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? किस राज्य में है? हरियाणा में है, ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, एक दिन सूर्य पृथ्वी के निकट होता है तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को। 74, निम्नलिखित में से गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं, श्रम का अधिक उपयोग, आबादी का उच्च घनत्व, स्वामित्व का छोटा आकार, मशीनरी पर जोर। तो ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 75, ऑपरेशन ब्लड किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार लाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कपास केवल काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना से अधिक आर्द्र है। तमिलनाडु की जलवायु पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को दर्शाती है। राजस्थान का पूरा रेगिस्तान रेतीला रेगिस्तान है। ऑप्शन जो है बी सही। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। क्वेश्चन नंबर 77, तेल उत्पादन के लिए प्रशिष्ट स्थान क्षेत्र की जोड़ी है कौन सा स्थान है? घवार एवं मस्जिद ए सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 78, स्वेज नहर ने किस दो स्थलों या महाद्वीपों के मध्य की दूरी को कम करता है? यूरोप और दक्षिणी एशिया की दूरी को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सफ़ेद डवार्फ्स बहुत छोटे सितारे होते हैं। सफ़ेद डवार्फ्स का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। डवार्फ्स के एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। तो ऑप्शन जो है ए 1, 2 और 3 और 4 सही है। चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? वरुण जो है सबसे दूरी स्थान पर है। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर लिखिए। तो ऑप्शन जो है सी सही है। हरा ग्रह जो होता है
अरूढ़ होता है। छल्लेदार ग्रह किस पर पाए जाते हैं? छल्लेदार ग्रह जो है शनि पर पाए जाते हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और प्रातः संध्या ग्रह मतलब शुक्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग कितना दिन का? उनतीस दशमलव 5 दिन का। मरमरा सागर जोड़ता है, एजियन सागर के साथ काला सागर को। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। रूपांतरित चट्टान कठोर या नरम हो सकती है। रूपांतरित चट्टान जीवाश्म नहीं होती है। रूपांतरित चट्टान की खनिज संरचना बदल जाती है। रूपांतरित चट्टानों में धारियां होती है। तो यह है ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन जो है सी, अर्घ्य जो है संबंध नहीं है। अल्लाहबाड़ का निर्माण हुआ। तो यह है ऑप्शन ए, भूकंप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, इंसेल वर्ग पद जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है तो यह है, इसका आंसर जो है अभी नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तापी नदी है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है? प्राचीन नदी जो है नहीं है तो यह है काली नदी। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे अलग करती है? बाह अंतरातम एवं मंटिल को। क्वेश्चन नंबर 91, पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को कहा जाता है, अधिवृद्धि कहा जाता है। किर्लोस्कर समूह जो भारी एवं हल्की मशीन उपकरणों का उत्पादन करता है। भारत की कंपनी है, तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? तो यह अपप्रणन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 95, अरोरा बोरियालिस होती है आयन मंडल में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवने समानते अंकित की जाती है। ये सम्मुख दाहिनी वृत्त चतुर्दश में। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न सतहों में से किसकी एल्बिडो दर सबसे अधिक है? बर्फ की चादर। तो ये समाप्त हो गया है। यूपी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछे गए थे 2016 में।